नमस्कार दर्शकों, मैं सुरेश श्रीमाली आप सभी का ग्रहों का खेल कार्यक्रम के 23 सितंबर सोमवार दैनिक राशिफल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और स्वागत के साथ ढेरों बधाई और शुभकामनाएं उन सभी लोगों को जिनका आज जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी या स्पेशल डे है। आप सभी दर्शक, आज हमारे दैनिक राशिफल के कार्यक्रम के अलावा कार्यक्रम के अंत में पितृ पक्ष पर मान सम्मान बनाए रखने के लिए क्या उपाय करें, आज आप दीपावली से संबंधित, मां लक्ष्मी से संबंधित, स्पेशल पूजन सामग्री से संबंधित, मंगल कार्य और स्वास्तिक के बारे में आप जानेंगे। यानी आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके घर में जो आध्यात्मिक सामग्री है उनका महत्व और उपयोग जाने, नहीं है तो क्या होना चाहिए और उसका उपयोग जानेंगे। तो आज से हम शुरुआत करेंगे मंगल स्वास्थ्य के बारे में, कल नई जानकारी होगी। कार्यक्रम के अंत में चार लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा जो कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछते हैं। देखिएगा, हो सकता है आज आपकी समस्या का समाधान हो जाए। आज ग्रहों से मानने वाले बुध आदित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग और शुभ वैश्य योग कल की तरह और नीच भंग राजयोग शुक्र का बनेगा। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो आपके लिए भद्र योग का साथ मिलना तय है। वहीं ग्रहण दोष और श्रापित दोष भी रहेगा। अगर आप आज शुभ कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो इसे नोट करिए। यह काम आप सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में या दोपहर को 4:30 से 6:30 के बीच में कर सकते हैं, लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में राहु काल में यह काम आप नहीं करें। अब मैं आप सभी लोगों को आज को सफल बनाने का मेरा गुरु मंत्र बता रहा हूं, हो सके तो इसे अपनाइएगा जरूर। मौन की शांतिमयी वाणी में जो सक्रियता और शक्ति है वह भाषण प्रवचन में बिल्कुल भी नहीं है। यानी साइलेंस इज द बिगेस्ट सॉल्यूशन और बिगेस्ट पावर माना जाता है इसे। अब आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज सभी मेष राशि वाले लोगों को अपने आप को पराक्रमी मानकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। किसी और के मजबूत होने से हम कमजोर नहीं होते हैं, किसी के बड़ा होने से हम छोटे नहीं हो जाते हैं। हमारे अंदर अपनी असीम शक्ति को लिए हम जी रहे हैं, इसे महसूस करके दिन की शुरुआत करिए। बिजनेस में आज आपको लगेगा कि मेरे बिजनेस जैसे ही सेम बिजनेस मार्केट में ज्यादा बढ़ गए हैं और प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपको मैं सलाह देता हूं कि देखिए, ट्रेड सीक्रेट रखना आज आपके लिए बहुत मुश्किल है। आपको अपने बिजनेस में नए और इनोवेटिव आइडियाज लेकर आने होंगे। और जब आसपास बहुत सारे बिजनेस एक ही जैसे होते हैं तो दो कारण इसमें खोजने चाहिए। एक तो ये कि मार्केट बन रहा है, दूसरा ये कि अब आप परिवर्तन करना शुरू कर दीजिए। वर्क प्लेस पर इंटीरियर्स में आज कुछ परिवर्तन करने का मानस आपका बन सकता है। आजकल वास्तु सम्मत और एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों का ट्रेंड है, जरूर ध्यान में रखें, फायदा मिलेगा। एम्प्लॉयज के लिए कंफ्यूजन भरा माहौल बन सकता है। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज आपको टाइम निकालना होगा। स्टूडेंट लंबी स्टडी सेशन में स्टडी से परेशान आज होंगे और ऐसा लगेगा कि आपकी परेशानी आपने स्वयं ने खड़ी की है। इसके लिए आप स्टडी पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। मेरी तरफ से सलाह है कि बीच बीच ब्रेक लेकर वो सब कुछ करिए जो आपको पसंद है। खिलाड़ी और एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए लोगों को आज बोरियत और एक लो कॉन्फिडेंट फील होगा। इसके लिए मैं सलाह देना चाहूंगा कि अपने मन के दर्द को किसी के साथ शेयर करके क्या काम पे लगिए। आज स्वास्थ्य से बेटर रहेगा। लकी कलर रेड, नंबर 5 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों को आज अपने फाइनेंस को सुधारने का दिन रहेगा। आज आपका मन धन कमाने, धन को जोड़ने, धन से संबंधित कोई अच्छे काम में जुड़ने का मन करेगा। बिजनेस में आज आप एंटी बैरियर जेनरेट नहीं कर पाने से दुखी रह सकते हैं। आपके स्टार्स तो फेवरेबल है और स्टार्ट से फायदा मिलने वाला यानी ग्रह नक्षत्रों से, और ये प्रॉब्लम आज लगभग यूनिवर्स में है। इसके लिए आपको या तो अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करवाना चाहिए या फिर अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करना चाहिए। कई बार हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हम ग्राहक तक नहीं पहुंच पाते हैं। ग्राहक आते हैं, जो प्रोडक्ट मांगते हैं वो हमारे पास नहीं है, तो इस पर आज बैठकर विचार करके इसे ठीक करना चाहिए। वर्क प्लेस पर आज आपको एक रेस्पेक्टफुल और सेफ वर्क प्लेस पर कार्य करने का गर्व महसूस होगा। सही भी होगा, जहां आपकी वैल्यू है आप वहां व्यवहार किए जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस क्लियर है, लगातार ग्रोथ मिलती रहेगी। एम्प्लॉयज को आज अपने कार्य की तरफ कुछ ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेट करना होगा, वरना एक गलती सारे अच्छे किए गए कामों पर पारी फेर सकती है।
दांपत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज आपको रिश्तों को संभालने का प्रेशर रहेगा और इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप प्रेशर को हैंडल करते हुए रिश्तों को बना के रखिए। स्टूडेंट, खिलाड़ी और एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए लोगों को कंटिन्यू पढ़ने, कंटिन्यू खेलने, कंटिन्यू एंटरटेनमेंट की वजह से बोरियत और डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा है, इसके लिए आज आप फैशन और पैशन कुछ डिफरेंट करने का मौका मिलेगा, ये जरूर करेगा, लाभ मिलेगा। किसी गंभीर बीमारी के वापस दस्तक देने की संभावनाएं, ख्याल रखिएगा। लकी कलर पर्पल नंबर वन शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों को आज आपका पूरा ध्यान शरीर की तरफ होना चाहिए, मानसिक और शारीरिक शरीर से आपको ध्यान रखना चाहिए। बिजनेस में आज बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमेन हो, खोजी प्रवृत्ति का होना आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी रिसर्च करिए, अच्छा है तो कैसे अच्छा बना रहे, बुरा है तो कैसे बुरे को कम किया जाए, ये खोज आपकी किसी भी तरफ से हो सकती है। जैसे आप बिजनेस और प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के आइडियाज खोज सकते हैं, या फिर नए एम्प्लॉयज रिक्रूट करने, मशीनरी को अपग्रेड और अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करने की तरफ हो सकता है। वर्क प्लेस पर आप नए कार्य का वर्कलोड ज्यादा पाएंगे, लेकिन आपके कार्य करने की कुशलता के चलते आप समय पर दिए गए टास्क को कवर कर लेंगे, इसलिए आप जो भी चैलेंज मिले, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, उसे ग्रैस्प करिए और बखूबी निभाइए। टेक्नोलॉजी की जानकारी एम्प्लॉयज के लिए आज बहुत फायदेमंद होगी। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप के साथ कई बार घूमने फिरने की प्लानिंग आज कमजोर हो सकती है, इसलिए जितना भी हो एंजॉय करिए, खुश रहिए। स्टूडेंट का स्टडीज को लेकर लापरवाही पूर्ण रवैया आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप घर पर रोजाना एक सेट टाइम में सारे सब्जेक्ट और टॉपिक बारी बारी ब्रेक ले लेकर पढ़ेंगे तो लाभ मिलेगा। खिलाड़ी और एंटरटेनमेंट लोगों के लिए अच्छा समय है। सेहत को लेकर आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इतना ध्यान देने की, इतना सोचने की अब जरूरत नहीं है। लकी कलर व्हाइट नंबर 6 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। कर्क राशि वाले लोगों को कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लीगल कॉम्प्लिकेशन, आसपास या किसी और से झगड़ा जो हो रखा है, इसे ठीक करने की तरफ ध्यान दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, कोशिश करें कि इन झगड़ों को आगे आने न दीजिए और आप वकील से मिलकर अपने लीगल कॉम्प्लिकेशन को सुधार लीजिए। दैनिक राशिफल के साथ साथ अगर कर्क राशि वाले लोग हमारे मंथली राशिफल को भी देखते हों, तो मैंने कहा था कि 23 सितंबर को चंद्रमा आपके बाहर में रहेंगे, जो हो सकता है मेरी वजह से, आपकी वजह से या किसी और की वजह से मानसिक अशांति, काम में डिले, डिस्टर्बेंस कोई तकलीफ देते। अगर ऐसा होता है तो आप कूल और रिलैक्स माइंड में रहते हुए अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए अच्छे डिसीजन लेकर आगे बढ़ें और रिलैक्स रहें। बिजनेस में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और समस्याएं आती है और जाती है, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए, बिजनेस कम चलने से मन उदास मत करिए, यह समय है मंदी का, चला जाएगा, या आपका मूड का फ्लक्चुएशन हो सकता है। बिजनेस में आपको अपने कस्टमर की डिजाइन और फोकस रखते हुए नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करना, नई ब्रांच की लॉन्चिंग करना, किसी एक प्रोडक्ट और ब्रांच को खत्म करके कुछ नयापन लाने का मौका आपको मिलेगा और ऐसा आप करेंगे। वर्क प्लेस पर आज आपकी फीलिंग्स कोई कोवर्कर हर्ट कर सकता है, राह चलता व्यक्ति भी आपकी इंसल्ट कर सकता है, इसलिए जितनी बातचीत जरूरी उतनी करनी चाहिए। सामने वाला आपको पूरी तरह से जानता नहीं है और आपके लिए उसने जो भी किया है वो अनजाने में किया है, इस पॉजिटिव सोच के साथ कार्य पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। एम्प्लॉयज के लिए आज का दिन थोड़ा मिसमैनेजमेंट का शिकार होने वाला दिन हो सकता है। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको आज धीरज, धैर्य और संयम रखना ही होगा। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज कोई बात आपके दिल को छू सकती है, इसलिए आप अपने आप को बहुत ज्यादा इमोशनल बनाने की कोशिश ना करें। स्टूडेंट, खिलाड़ी और एंटरटेनमेंट जुड़े हुए लोगों को टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और अपने गुरु की बातों का अमल करना ही बेहतर रहेगा। आप टाइम टेबल बनाकर अगर दिन को यूटिलाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि शाम और दिन पूरा शानदार गुजर जाएगा और एक दूसरे की हेल्प करने का मौका भी आपको मिलेगा। जिन लोगों को ऑलरेडी किडनी या किडनी स्टोन या लीवर की प्रॉब्लम, उनको आज बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लकी कलर नेवी ब्लू नंबर 2 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों को आज बिस्तर से उठते वक्त ये ध्यान होना चाहिए कि क्या काम करूं कि मेरा आज प्रॉफिट बढ़ जाए। प्रॉफिट को सिर्फ पैसे से मत आंकिएगा, खुशी भी एक प्रॉफिट हो सकता है। बिजनेस में आज आपको नया अचीव करने का एक मौका मिलेगा और इसकी चेहरे पर खुशी साफ नजर आएगी।
आप अपनी पूरी टीम के साथ सेलिब्रेट करना नहीं भूलें। आपने देखा होगा जब एक खिलाड़ी छक्का मारता है तो ये सोच में नहीं बैठ जाता है अब दूसरा कैसे लगाऊंगा, पहले सेलिब्रेट करता है, एंजॉय करता है, 50 और 100 में एंजॉय करता है, फिर आगे बढ़ता है। आपको भी ये सेलिब्रेशन करना चाहिए और आपके बिजनेस हो या जॉब हो, जी जान झोंक देनी चाहिए और इसकी अहमियत जरूर समझ लेनी चाहिए। और जल्दीबाजी आप किसी काम में मत करिएगा। वर्क प्लेस पर आज आपके लिए डिस्टर्बेंस होने या डिस्टर्ब होने के चांसेस बन रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आपको डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए जितनी जरूरत है उतनी बातचीत करना, मौन धारण करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आपके सहकर्मी आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, स्टूडेंट, खिलाड़ी, किसी और के लिए भी ये सब चीज़ एप्लीकेबल होती है, इसलिए आप अपने काम को पहले पूरा कर लें फिर टाइम पास करें। और आज आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आप फॉरवर्ड कर सकें, जैसे मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं अच्छे काम को भी फॉरवर्ड करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ के लिए आज का दिन सीनियर्स और जूनियर्स से कुछ सीखने और सिखाने को मिलेगा, फायदेमंद भी साबित होगा। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज मूड आपको तो ठीक ही रखना है, दूसरे का खराब होता है उसे भी ठीक करना है, वरना आश्चर्य हो जाएगा आपको ये क्या हो गया। स्टूडेंट, खिलाड़ी और एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़े हुए लोगों को कॉम्पिटिटिव आत्मविश्वास की कमी रहेगी और ऐसा लगेगा कि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। दोस्तों में आपस में कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। धीरज, धैर्य, संयम और टेक अ डीप ब्रेथ और फिर तैयारी में जुट जाएं, बड़ा दमदार प्रदर्शन करने का मौका इससे मिलेगा। डायबिटिक लोगों को आज ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। लकी कलर ब्राउन, नंबर 6 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। कन्या राशि वाले लोगों को आज अपने काम से काम रखना चाहिए, अपने कर्म को पैनी नजर से देखिए और परफेक्ट बनाने की कोशिश करने की तरफ रहेगा। बिजनेस में आज मार्केट में आप आगे रहेंगे और आपको क्रिएटिव आइडियाज और कुछ ऐसे काम करने का मौका मिलेगा, चाहे वो किसी की ब्लेसिंग से मिल जाए, जिससे आज दिन आपका बन जाएगा। यह सब आपकी कड़ी मेहनत और अच्छे सोच की वजह से होगा। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए मेहनत का शॉर्टकट बट ढूंढिए। वर्क प्लेस पर आज आपके कार्य अच्छे ढंग से करने में आप काफी हद तक सफल होंगे। आप अपने साथ साथ को वर्कर के कार्यों में भी सहायता करेंगे और किसी और की सहायता करके जो हमें आशीर्वाद और ब्लेसिंग मिलती है वो हमारे कई काम मुश्किल भी हल कर देती है। लेकिन सावधान रहें, कोई बॉस से मीठी वाणी बोलकर आपके खिलाफ कानाफूसी कर सकता है। एम्प्लॉयज को कार्यस्थल पर सहकर्मी ही धोखा देंगे, इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करें। आज आपको सतर्क रहने की मैं सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई बार लोग अपने दुख से तो कम दुखी लेकिन दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी और कुछ अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, आज आपको किसी टॉपिक को बार बार पढ़ने की आदत मुश्किल में डाल सकती है, अपने आप को आप ब्लैंक समझने लग जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे सारी चीजों को कवर करें। लकी कलर गोल्डन, नंबर 4 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। तुला राशि वाले लोगों को अपने आप को भाग्यशाली ही समझना चाहिए। मैं कई बार इसके बारे में बातचीत भी करता हूं कि कोई एक दो काम हमारे ढंग से नहीं हुए तो हम अपने आप को ये थोड़ी कहेंगे मेरा तो भाग्य ही खराब है। हमें बहुत अच्छा भाग्य मिला है, कुछ चीजें खराब होने से दुर्भाग्यशाली नहीं हुआ जा सकता है। बिजनेस में आज आपको नया बिजनेस स्टार्ट करने का मन बनेगा, करिएगा मत। तो सबसे पहले तो आप अपनी सोच को विस्तार करें और ईगो और अहंकार को, गलत जुबान को, गलत सोच को घर से बाहर निकाल के फेंक दीजिए और फिर मूर्त रूप देने के लिए अच्छी योजना बनाइए। वर्क प्लेस पर आज आपके कार्य करने की एनर्जी और काम करने का तरीका दूसरे लोगों को भी इंप्रेस कर सकता है और आपके लिए भी लाभदायक रहेगा। आज सैलरी डे नहीं है, फिर भी कई बार ऐसा होता है जब हम एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक फील करते हुए हाई एनर्जी से वर्क प्लेस पर कार्य में लगे रहेंगे। एम्प्लॉयज आज सीनियर की नजरों में बेस्ट हो सकते हैं, इससे हो सकता है आने वाले टाइम में प्रमोशन, सैलरी बढ़ना, बोनस जैसी योग बन जाए। आपके कार्यों की सराहना होगी। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप के साथ समय स्पेंड करेंगे और स्टूडेंट और खिलाड़ियों का कॉन्सेप्ट आज क्लियर होगा। एग्जाम और खेल में मार्क्स और रन शानदार मिलेंगे। स्ट्रीट फूड से बस बचना है, यानी रास्ते चलते भोजन से बचना चाहिए। लकी कलर पिंक, नंबर 3 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों को आज अपना ज्यादातर ध्यान अपने ट्रैवल या ट्रैवल प्लान की तरफ होना चाहिए, चाहे वो आप ट्रैवल आज कर रहे हैं आने वाले टाइम में। दैनिक राशिफल के साथ साथ अगर आप मेरा मंथली राशिफल भी देखते हो तो मैंने कहा था कि 23 सितंबर को चंद्रमा आपके 8वें रहेंगे, जो हो सकता है कि कोई मानसिक अशांति मेरी वजह से या किसी और की वजह से मिल जाए, काम में डिले या डिस्टर्बेंस हो जाए, इसके कूल रहें,
अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए समय निकालिए। बिजनेस में आज प्रॉफिट या काम की धीमी गति से आप परेशान हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी और वजह से इरिटेट हो और इसका गुस्सा आप किसी ग्राहक पर निकाल दें, ग्राहक को सही अटेंड ना कर पाएं, इसलिए आया हुआ ऑर्डर, आया हुआ कोई काम, धन आपके हाथ से निकल सकता है। देखिए, सारे समीकरण चेक करने के बाद ही आपको उचित फैसला लेना चाहिए। कुछ गैप ले लीजिए अगर आप इरिटेट हो रहे हैं तो। नोकिया ने रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन बहुत कम कर दिया था नोकिया ने, तो आज उसकी हालत आप देख सकते हैं। इसलिए ओप्पो और वीवो ने रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को खूब खुश रखा है, तो आज वे मार्केट में चल भी रहे हैं। इसलिए आपको भी यही नीति अपनानी चाहिए कि अपने ग्राहकों को, अपने कोवर्कर सबको खुश रखना चाहिए। वर्कप्लेस पर आज गॉसिप में समय बर्बादी के संकेत मिल रहे हैं। आप अपना पूरा ध्यान अपने कार्य पर लगाएं, हो सकता है कोई आपकी बातें बॉस तक पहुंचा सकता है और आपके लिए समस्या भी खड़ी कर सकता है। इसलिए मन की बात और राज आज किसी को न बताएं। आप ऐसे कर्मचारियों से सतर्क रहें जो आज आपके लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, ना कि कानाफूसी करें। कल वो बॉस को किसी प्रकार की गलत बात करके आपकी नौकरी पर भी बना सकती है, इसलिए आपको दूरी बनानी चाहिए ऐसे लोग और ऐसी बातों से। एम्प्लॉयज को आज कार्यस्थल पर कुछ अलग करने का मौका मिलेगा और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है या कुछ गड़बड़ होने वाली है तो आप आज छुट्टी ले लीजिए। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में असमंजस की स्थिति बनेगी। स्टूडेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे और कहां स्टार्ट करें, इसके लिए ग्रुप डिस्कशन करके एक बढ़िया फॉर्मूला तैयार होगा। खिलाड़ियों को आपके कोच और मेंटोर से बहुत लाभ मिलेगा। आप पहले वही काम करें जो आपके लिए कठिन है, उसके बाद आगे बढ़ें हल्के काम को। आंखों में जलन या आंखों से संबंधित कोई इन्फेक्शन परेशान कर सकता है, ख्याल रखिएगा। लकी कलर 11 येलो, नंबर 7 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। धनु राशि वाले लोगों को माइंड योर ओन बिजनेस। आपने किसी को कहा होगा या किसी से सुना होगा, इस पर ध्यान देते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए और कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि आपको या आपके परिवार को डिस्टर्ब कर सके। अपने काम पर फोकस करिए। बिजनेस में आज आपको थोड़ा धीरज, धैर्य और संयम ही रखना पड़ेगा। आप आज धीरज की कमी से जूझते हुए नजर आएंगे। इस स्थिति में आपको सबसे पहले तो धीरज रखने की सलाह देता हूं और साथ ही मार्केट की हलचल पर ध्यान रखने के बारे में और प्रोडक्ट सर्विंग के और अच्छे ढंग से बनाने के बारे में ध्यान देना चाहिए। वर्क प्लेस पर आज आपके स्टार आपको दिलेर बनाएंगे। कार्य में आपकी प्रगति होगी। आप ऐसे कार्य करेंगे जो ऑफिस में कोई और शायद ही कर पाए, या फिर जिस स्टाइल से काम करेंगे वो आपको लोगों से अलग बनाएगा। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज अपना इजहार प्रेम का करना नहीं भूलें, फीलिंग को शेयर करिए। स्टूडेंट को आज किसी टॉपिक को समझने में आसानी होगी और खेल खिलाड़ी के लिए बहुत आसान होगा। और आप वो काम जरूर करें जो आपके इंटरेस्ट का है। शरीर में दर्द, मसल पेन परेशान कर सकता है, मच्छरों से सावधान रहने की सख्त जरूरत आपको है, हिदायत दी जाती है कि आप ध्यान रखिए। लकी कलर व्हाइट, नंबर 9 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। मकर राशि वाले लोगों को आज अपना ज्यादातर ध्यान अपने माइंड और बॉडी को फिट रखने और बीमारी से दूर रहने की तरफ ध्यान देना चाहिए। बिजनेस में आज आपको स्टार्टिंग में जो जील आप में रहेगी उसमें धीरे धीरे आप कमी महसूस करेंगे और ये आप पर निर्भर करता है कि काम ही आपका पैशन है या कुछ और पैशन है, इसलिए बैलेंस करना आज जरूरी है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर आज रह रहकर आ सकता है, इसलिए अपने आपके अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट तरीके से देने की कोशिश आपकी रहेगी। वर्क प्लेस पर आज आपको बॉस की हेल्प मिलेगी या किसी ऐसे इंसान की हेल्प मिल सकती है जो आपके दिन को बना सकता है। विरोधियों के लिए हल्की फुल्की टेंशन रहेगी। आज आप किसी प्रोजेक्ट में टीम लीडर बन सकते हैं या कोई ऐसा काम कर सकते हो जो लीड लेने का हो। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में मन की बात कहने से चूकिएगा मत, लेकिन तहजीब और तमीज से। स्टूडेंट और खिलाड़ियों को आज ऐसा लगेगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, कोई और ज्यादा अच्छे ढंग से कर पा रहा है। ऐसी सोच को हटाकर खुद पर विश्वास रखना आज के लिए अच्छा रहेगा। आप छोटे छोटे काम करके भी सफलता हासिल कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों में आपको खुशियां मिलेगी। डिमेंशिया, मानसिक बीमारी या डिप्रेशन परेशान कर सकता है, ख्याल रखिएगा। लकी कलर डार्क ग्रीन, नंबर 1 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों को आज ज्ञान में इजाफा करना चाहिए। वो ज्ञान मोबाइल से मिल सकता है, किताब में मिल सकता है, राह चलते किसी व्यक्ति से मिल सकता है, टीवी से मिल सकता है, किसी भी जगह खुद क्रिएटिव आइडियाज आके भी ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान का इजाफा करना जरूरी है। बिजनेस में आज आपको अपनी
टीम वर्क से काम लेने का मौका मिलेगा। आप अपने टीम मेंबर्स के साथ मीटिंग करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके खोजिए। वर्क प्लेस पर आज आपके दिल में कुछ शिकायतें रहेगी किसी और के प्रति, इसको मत करिए। ये शिकायतें जैसे बच्चे भी करते हैं, वो सब करने का अब जमाना नहीं है, अब ठीक नहीं है। आप बहसबाजी में ओवर रिएक्ट करेंगे जिससे ऑफिस का माहौल बिगड़ सकता है। बात के बतंगड़ बनने का मौका मिलेगा, ऐसा मत करिएगा। वर्क प्लेस पर आज आप थोड़ा ब्रेक ले लें। एम्प्लॉयज के कार्यस्थल पर कार्य की बढ़ोतरी के साथ स्टाफ की नई ज्वाइनिंग या अपडेट और अपग्रेडेशन से बहुत हद तक आपको लाभ मिलेगा। लोड भी कम होगा और रिलैक्स भी महसूस करेंगे, लेकिन काम भी पूरे होंगे। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में उनकी बातों को तरजीह दें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत कुछ करती हैं या करते हैं। स्टूडेंट का लेजी रवैया और खिलाड़ियों का अपने पर विश्वास आज दिन को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए संभल कर चलें। अपना एक एक पल इंपॉर्टेंट समझ के अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। ज्यादा खान पान और तले बुले खाने की वजह से परेशानी हो सकती है, ख्याल रखेगा। और लकी कलर ऑरेंज नंबर 3 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। मीन राशि वाले लोगों को सुख और सुविधाओं को बढ़ाना, उससे पूरा लाभ लेने का अवसर मिलेगा। दैनिक राशिफल के साथ साथ अगर आप मेरा मंत्री राशिफल भी देखते हो तो मैंने बताया था 23 सितंबर को चंद्रमा आपके चौथे रहेंगे, जो हो सकता है आपकी वजह से, मेरी वजह से या किसी और की वजह से मानसिक अशांति या कोई काम में डेली डिस्टर्बेंस हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आप कूल और रिलैक्स माइंड में रहते हुए अच्छे डिसीजन लीजिए। बिजनेस में आज सही प्लान न कर पाने या सही प्लान पर न चलने की वजह से या कुछ और डिस्टर्बेंस की वजह से मार्केट में आप पीछे रह सकते हैं। कोई अच्छा सौदा या टारगेट या अच्छा कोई ऑर्डर या पैसा हाथ में आते आते निकल सकता है, इसलिए अलर्ट और डिसिप्लिन। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त या बिजनेस में कोई नयापन लाने के से पहले आपको कुछ नया और बेहतर लंबे समय का प्लान करना चाहिए। आपकी जमी जमाई दुकान या जाजम एक बार प्लान अच्छे करने की वजह से अच्छी चलती है और एक गलती पुश्तैनी काम को भी बर्बाद कर देती है। वर्क प्लेस पर आज आप किसी की कानाफूसी या किसी और की बातों पर विश्वास करके किसी पर शक या गुस्सा मत करिएगा, दिन खराब हो सकता है। आप आज जिसके साथ कार्य करें उनके साथ कोई ऐसा रिलेशन बनाएं कि जैसे अपना ही काम कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज का दिन आपके लिए रोमांचक और रोमांटिक रहेगा। एम्प्लॉयज के लिए कार्यस्थल पर वर्कलोड बढ़ने के समय कुछ इरिटेशन हो सकता है, जिससे आप अपने आप को डिस्टर्ब महसूस करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। पावर नैप लीजिए, कूल रहिए, रिलैक्स रहकर कुछ गैप लेकर आगे काम पर बढ़िए। स्टूडेंट और खिलाड़ियों का सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, सफलता। मन लगाकर काम करिए, मन लगाकर खेलिए, गोल को अचीव करेंगे। लकी कलर माफ करेगा, आज स्वास्थ्य आपका बेटर रहेगा। लकी कलर ब्लू नंबर 4 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। अब सभी प्यारे दर्शकों को मैं पितृ पक्ष पर मान सम्मान में अगर कोई तकलीफ चल रही है, कई बार आपने देखा होगा कि हम काम तो मान सम्मान वाला करते हैं लेकिन मिलता नहीं है। जबरदस्ती लोग दूसरों की तारीफ हमारे सामने किए जाते हैं जबकि हम डिजर्व भी करते हैं। इसके लिए हो सकता है कि हमने कोई ऐसा काम किया हो, जैसे आपने देखा होगा कि मेरा बच्चा पास होगा तो मैं वैष्णो देवी जाऊंगी, बद्रीनाथ जाऊंगी, इसको भेंट दूंगी, ये यात्रा करूंगी, वो करूंगी या करूंगा, और वो हम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए जो श्राद्ध पक्ष होता है पितृ पक्ष में, ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको सिर्फ ब्राह्मणों को डोनेशन देना चाहिए, दान देना चाहिए। आप जिस जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं करिए, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको योग्य ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करवाना चाहिए और ब्राह्मण देवता को उचित दक्षिणा देना चाहिए। और यह काम आप जितना जल्दी हो सकते हैं वो शुरू करिए। और आज का दिन शुरुआत करने के लिए श्रेष्ठ आप नहीं कर सकती हैं, तो आप यह कर सकते हैं तो खुद ही इसका पाठ आज से करना शुरू कर दिए, धीरे धीरे से कंप्लीट करिए और बाद में आपको बहुत लाभ मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा। आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कुछ स्पिरिचुअल प्रोडक्ट, कुछ स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक सामग्री जो आपके घर में है या आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन सही विधि, सही उसके महत्व को नहीं जान पाते हैं, तो आज मैं आपको मंगल स्वास्थ्य पिरामिड के बारे में जानकारी दे रहा हूं। मंगल ही मंगल जीवन में हो, यह मंगल स्वास्थ्य को आप जानते ही होंगे, जो कि घर के बाहर आप शुभ लाभ और स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, उसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ में पिरामिड, इजिप्ट में आपने देखा होगा कि मम्मी रखते थे ताकि वो सुरक्षित रह सके,
हिंदू धर्म और सनातन धर्म में स्वास्थ्य को सुख शांति और समृद्धि सौभाग्य का और मंगल प्रदायक माना जाता है। स्वास्थ्य कल्याण का परिचायक है। प्रत्येक मांगलिक कार्य में स्वास्थ्य बनाया जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार स्वास्थ्य का बायां हिस्सा गणेश जी की शक्ति का स्थान गंग बीज मंत्र होता है। इसमें जो चार बिंदियां होती है उसमें गौरी, पृथ्वी, कच्छप और अनंत देवताओं का वास माना जाता है। इस मंगल प्रतीक का गणेश जी की उपासना, धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के साथ बही खाते की पूजा की परंपरा में विशेष महत्व है। इस अत्यंत पावन प्रतीक स्वास्तिक का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। इसकी चारों दिशाओं के अधिपति देवताओं इंद्र, अग्नि, इंद्र, वरुण और सोम की पूजा हेतु एवं सप्त ऋषियों के आशीर्वाद को प्राप्त करने में प्रयोग किया जाता है। यह चारों दिशाओं और जीवन चक्र का भी प्रतीक है। घर के वास्तु को ठीक करने के लिए, घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए स्वास्थ्य का प्रयोग किया जाता है और स्वास्थ्य का चिन्ह भाग्यवर्धक होता है। स्वास्थ्य न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में विभिन्न रूपों में माना जाता है। मंगल स्वास्थ्य पिरामिड को आप अपने घर में उपयोग में लाकर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा सदैव बनी रहे इसका इस्तेमाल होता है। वास्तु दोष निवारण, घर में नेगेटिव समस्याओं के निवारण के लिए आपको मंगल स्वास्तिक पिरामिड का बहुतायत में प्रयोग करना चाहिए और लोगों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। मंगल स्वास्तिक पिरामिड आवास को स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि देने वाला होता है। घर में मौजूद वास्तु दोषों के प्रभाव को खत्म करने के लिए आज ही आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने घर में मंगल स्वास्तिक पिरामिड स्थापित करके यह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप जोधपुर कार्यालय में पूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए और इसे प्राप्त करने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसे प्राप्त करके आप न केवल अपने अपने परिवार के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब उन लोगों के लिए मैं जानकारी दे रहा हूं जो मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। मैं 27 सितंबर को दुबई और 28 सितंबर को आबूधाबी में रहूंगा। नवंबर में 8-9 नवंबर को सिंगापुर, 12-16 और 17 नवंबर को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 13 और 14 नवंबर को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। भारत में 26 सितंबर, 4 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को मैं मुंबई में रहूंगा। 5 अक्टूबर पुणे, 6 अक्टूबर नागपुर, 11 अक्टूबर दिल्ली, 12 अक्टूबर लखनऊ, 13 अक्टूबर आगरा और उसके बाद रायपुर और इंदौर में रहूंगा। अगर आप इन शहरों और देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं ये सोमवार आपके लिए यादगार रहे, आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो। इसी उम्मीद, विश्वास और प्रार्थना के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।